आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहा करती थी। वह वृद्ध और अकेली थी, क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका था और गांव वालों के लिए वह केवल एक साधारण सी महिला थी, जो कई बार अपने आप को संभालते हुए देखी गई थी। वह बुढ़िया माई बहुत ही ज़्यादा धार्मिक विचारों वाली थी। वह हमेशा गणेश जी भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। गणेश जी महाराज को भोग लगाने के बाद फिर वह खाना खाया करती थी और वह बहुत दान धर्म किया करती थी और ब्राह्मणों को भोजन के लिए अन्न भी दिया करती थी। उसकी धर्म बुद्धि को देखकर उसकी बेटी बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ, आप रोजाना यह सब दान धर्म करते हो, गणेश जी भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हो, क्या गणेश जी महाराज हमें सहारा देंगे? क्या हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे? तब उसकी माँ मुस्कुरा देती है और कहती है कि बेटा, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने से, उनको भोग लगाने से अपने घर में अन्न की कभी कमी नहीं आती है। अपने को दो वक्त का खाना हमेशा मिल जाता है और यही गणेश जी महाराज की अपने ऊपर बहुत कृपा है। हमें अपने कर्मों के प्रभाव से कभी मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। अपने पास जो कुछ भी है वह हमें कभी न कभी आड़े जरूर आता है, तो हमें अपने घर पर आए हुए अतिथि का मान सम्मान करना चाहिए। उन्हें कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। हमें भविष्य को सुधारने के लिए नियम धर्म का पालन करते रहना चाहिए। धर्म के पालन से हमारा जीवन और भविष्य दोनों सुखमय बनता है। माँ के शब्दों का प्रभाव बेटी पर नहीं पड़ता है और वह और अधिक सोचने लग जाती है कि माँ जो भी पूजा पाठ करती है, गणेश जी महाराज को इतना मानती है, क्या सच में गणेश जी महाराज हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं? कुछ दिनों के बाद जब उसकी माँ बाजार गई थी और वहाँ से वापस लौट रही थी, तो उसके पैर में चोट आ जाती है और वह दर्द से चिल्लाने लग जाती है और चलने में असमर्थ हो जाती है। तब वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, मैं तो सेठानी के घर काम करके अपने घर का गुजारा चला रही थी, अब मेरे पैर में चोट लग गई है जिससे मैं चल नहीं पाऊंगी और सेठानी के घर पर काम नहीं कर पाऊंगी, तो तुम ऐसा करो कि सेठानी के घर जाकर सेठानी को कहना कि मेरी माँ 3-4 दिन के लिए काम करने नहीं आएगी, क्योंकि उनके पैरों पर चोट लगी है, तो कृपा करके आप हमें 3-4 दिन के लिए अनाज दे दीजिए, जिससे हमारे घर का गुजारा हो सके। तब वह बेटी सेठानी के घर जाती है
और सेठानी से अपनी माँ की कही सारी बात कह देती है। लेकिन सेठानी बहुत क्रूर स्वभाव की थी। उसने उसकी बेटी से कहा कि तुम्हारी माँ नाटक कर रही है, काम करने में उसे जोर आता है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ बहाना बना रही है और ऊपर से अनाज और मांग रही है। बेचारी बेटी यह सब सुनकर रोते रोते घर आने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक बाबा मिलते हैं। वह रोती रोती रहती है, तब बाबा देखकर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। तब वह कहती है कि बाबा मेरी माँ और हम दोनों बहुत गरीब हैं और मेरी माँ सेठानी के घर काम करने जाती है, लेकिन मेरी माँ को चोट लग गई है और वह काम नहीं कर पा रही है, जिसके कारण मैं सेठानी के घर थोड़ा अनाज लेने और माँ के नहीं आने की बात कहने गई थी और सेठानी ने मुझे यह सब सुनाया। तब बाबा बोले कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ गणेश जी महाराज की परम भक्त है और गणेश जी महाराज तो दीन दया के प्रभावकारी है, वे अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। तुम यह झोला ले जाओ और इसे अपने घर पर रख देना। वह झोला लेकर घर पर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है। वह लड़की जैसे ही झोला उठाकर देखती है तो उसमें अनाज ही अनाज निकलता है, तरह तरह के पकवान निकलते हैं और उनका घर अन धन से भर जाता है। तब वह बाबा और कोई नहीं, स्वयं गणेश जी महाराज थे। बुढ़िया माई की भक्ति से प्रभावित होकर और प्रसन्न होकर गणेश जी महाराज ने उनकी सहायता करी थी। तब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाते हैं और आए वे दीन दुखियों की सहायता करने लग जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया माई पे कृपा करी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब पे सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।